नमस्कार, मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर। तो हम कवि पद्माकर का जीवन परिचय और रचना परिचय करेंगे। कवि पद्माकर श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक श्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनके पिता नागपुर, पन्ना, जयपुर, नरेश के दरबारों में रहे थे। जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि नामक पदवी भी इन्हें प्रदान की थी। ये बांदा के निवासी थे। इन्हीं के यहाँ संवत 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ। पद्माकर का समय संवत 1810 से 1890 तक माना जाता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे और इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गायन करते हुए कई ग्रंथों की रचना इन्होंने की। इनके रचनाओं में गोसाई, अनूपगिरी उपनाम, हिम्मत बहादुर के नाम पर हिम्मत बहादुर वितावली, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर इन्होंने जगत विनोद रचना लिखी। जीवन भर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना करने में लीन रहने के पश्चात वे अपने अंतिम समय में विरक्त होकर कानपुर में गंगा नदी के किनारे आकर रहने लग गए और यहीं इन्होंने अपना अंतिम जो रचना है इनकी गंगा लहरी, उस गंगा लहरी रचना भी इन्होंने यहीं गंगा के किनारे लिखी। पद्माकर लक्षण ग्रंथ का वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारिक कवि और अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य इत्यादि विभिन्न काव्य रूपों के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं हिम्मत बहादुर वीरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आली जाह प्रकाश और जयसिंह वीरदावली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर वीरदावली, जयसिंह वीरदावली, ये अपने आश्रयदाताओं के प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ हैं। पहली रचना में वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ है और जगत विनोद रचना में रस और नायिका भेद निरूपण और पद्माभरण रचना में अलंकारों का निरूपण हुआ है। आलीजा प्रकाश उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, अन्य ग्रंथ धर्म और भक्ति से संबंधित है। जगत विनोद इनकी रचना काव्य रसिकों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा है। इस ग्रंथ को श्रृंगार कालीन काव्य शास्त्रीय परंपरा का प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जाता है। इसमें काव्य शास्त्र का निरूपण हुआ है और काव्य शास्त्र के निरूपण के अलावा श्रृंगार का मनोरम चित्रण, अनुभूति पूर्ण कलात्मक निरूपण इन्होंने किया है। श्रृंगार वर्णन में भावों, अनुभावों, चेष्टाओं इत्यादि का इन्होंने वर्णन किया है। ये एक अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि थे। सरस चित्रण
योजना में बहुत कम कवि इनके स्तर तक पहुंच पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक हाव भाव का मूर्तिमान चित्रण करती है कि मानो पाठक प्रत्यक्ष अपने सामने सब कुछ दृश्य देख रहा हो, ऐसा वह अनुभव करता है। ऐसी सजीव मूर्ति का चित्रण करने वाले बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। मतीराम के समान इन्होंने अनाडंबर भाव योजना भाषा का सहज रूप इनके काव्य को मर्मस्पर्शी बना देता है। नायिकाओं के विभिन्न भेदों में और चेष्टाओं के चित्रण में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। विशेष रूप से इन्होंने होली का वर्णन करते हुए नायक और नायिकाओं के पारस्परिक प्रेम का चित्रण बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। अन्य रीतिकाल के कवियों के समान पद्माकर में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र की विशेषता मिलती है, परंतु कल्पना की उड़ान वाणी के चमत्कार के साथ ही इन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण चित्रण किया है कि इनके भावानुभूति में रंच मात्र भी कहीं बाधा हमें नहीं नजर आती है। पद्माकर पाशा के अनुपम कलाकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कहीं तो इनकी भाषा में स्निग्धता दिखाई देती है। मधुर पदावली के द्वारा एक सजीव भावपूर्ण मूर्ति आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। कहीं भाव रस की धारा बहती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही अनुप्रास की मिश्रित चनकार भी उत्पन्न करती है। कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती कड़कती हुई चलती है। कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाई देती है। जहां मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहां की भाषा बहुत ही स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय के सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय अपने आप ही गदगद हो उठता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। पद्माकर का जन्म संवत 1730 तथा उनका देहांत संवत 1824 माना जाता है। धन्यवाद।